हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी आप लोग को दिखाता हूँ एक अलग रिचुअल। मैं बताना चाहूंगा आज श्राद्धनान में जो है हम लोग वेटिंग नाइट सेलिब्रेट कर रहा है। आप कह सकते हैं ये आज रात से शुरू किया जाएगा पूरा लखनऊ का कैलेंडर। एक जो इंडिजिनियस विलेज है हमारा गांव, तो उसका कैलेंडर आज रात से शुरू किया जाएगा। आज रात को बोलते हैं हम लोग आउची, यानी आज रात हम लोग जो है लोकल अंडा उठाने जाएगा घर घर में, जहाँ में है वहां से हम लोग उठाने जाएगा। और जब हम लोग उठाने जाएंगे तो वहां का मालिक जो हम लोग को कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो एक रिचुअल के लिए उठाया जा रहा है, तो वो लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और ये अंडा को हम लोग बस ऐसे ही नहीं उठा रहा है, ये अंडा से हम लोग को खेत सेलेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाएगा। कल सुबह यहाँ पर जो जितने भी बुजुर्ग है हमारे गाँव में, वो लोग आके यहाँ पर देखेंगे कि ये साल कौन सा खेत करना है हम लोग को। और आज रात यहाँ पर ये रिचुअल को करने के लिए जो रिसेंटली जिसका जो लड़का का बॉयस मैच्योरिटी रिचुअल कर चुका है, वो लोग यहाँ पर आते हैं। और उसका ब्लॉग भी मैं जो मैच्योरिटी रिचुअल का ब्लॉग मैं नीचे में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज रात जो है जो ये साल किया है और जो लास्ट ईयर कर चुका है मैच्योरिटी रिचुअल, वो लोग आया हुआ है। और लड़का जितना भी है नौजवान वो लोग आ सकते हैं, लेकिन बड़ा लोग तो नहीं आते ऑब्वियसली, तो जो यंग है वो लोग आया हुआ है। और आज रात कम से कम यहाँ पर है 25-30 बॉयज समथिंग है। और हमारे गांव के जो जो रिचुअल कर चुके हैं वो सब ज़्यादातर अभी बाहर में है, यानी पढ़ाई करके है या बाहर में जॉब ढूंढ के है। तो यहाँ पर अभी 20-25-30 समथिंग है। तो हम लोग आज रात जो है अंडा उठाने जाएंगे, और इस अंडा उठाने जाएगा तो वो अंडा को प्रोटेक्ट करके हम लोग आशा यहाँ पर बैठेंगे। और मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ, हम लोग आशा है मोरंग में, मोरंग जहाँ पर लड़का लोग का रिचुअल किया जाता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉल है, मैं इसका ऑलरेडी व्लॉग तो बना चुका हूँ, फिर भी बस यहाँ पर भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ मोरंग में क्या क्या चीज होता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लोक ड्रम, यानी ये पूरा मतलब ये बस ये बड़ा नहीं बोले, लेकिन जो वो लार्जेस्ट लोक ड्रम जो होता है वो ये एक होता है। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा ये जो है हर जो नॉर्मल डेज में आप नहीं बजा सकता है, इसका जो बस एक फेस्टिवल में बजा सकता है या अनफॉर्चुनेट कुछ इंसिडेंट हो जाने से तब बजाया जाता है। और इसका जो साउंड होता है वो भी अलग अलग होता है, फेस्टिवल में अलग से बजाया जाता है। और कुछ एक्सीडेंट अगर हो जाता है या लाइक हम लोग का ना हो ऐसा नहीं होना है, लेकिन कहीं में आग लग गया तो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि आजकल तो स्मार्टफोन आ गया है, लेकिन पहले जमाने में स्मार्टफोन नहीं होता था, तब ये एक इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया जाता था। तो ये लोक ड्रम यहाँ पर है मोरंग में। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँ, जो मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं वो लोग को तो पता होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या का ऊपर बनाता हूँ। मैं जो है जितना भी रिचुअल होता है ट्राइबल सोसाइटी आपके साथ, या स्पेशली जो हम लोग जो बिलीव करता है लाइक इंडिजिनियस को, वो सबका ब्लॉग्स ही मैं बनाता हूँ। बीच बीच में एंटरटेनमेंट के लिए जहाँ वहाँ का तो मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पहले जमाने का जो हेड हंटिंग समय का जो हेड स्कल्ट है वो यहाँ पर रखा हुआ है। यह ये सब कोई हम लोग पूछते हैं, आप लोग कह सकते हैं इसका भी एक जब ये लोग को जब खाना दिया जाता है लाइक खाना तो चावल नहीं देता है, राइस बियर और मुर्गी का जो कलेजा, मुर्गा का क्या वो सब दिया जाता है। तो उसका मैं ऑलरेडी एक अलग से व्लॉग बना के है, मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो वो सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर रात भर हम लोग बैठेंगे और जब बस्ती वाला सो जाएगा तब हम लोग उठाने जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन बस्ती वाला कुछ भी नहीं कह सकता है, जैसे कि मैंने पहले कहा है अगर वो लोग को सुनाई भी देता है तो वो लोग कुछ भी नहीं कह सकते। तो बस बैठे हुए हैं अभी, कुछ लोग टाइम पास के लिए गेम खेल रहा है, यहाँ पर चाय पी के है और यहाँ पर ही सोएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोने के लिए इंतजाम कुछ इस तरह किया हुआ है। वो तो हम करेंगे। तो यहाँ पर रिसेंटली एक ऑफिसर आया था,
बाहर से ही, तो वो ऑफिसर हम लोग को बोल के गया था कि आप लोग का मोरंग जो है ऐसा क्यों बना दिया है। होते ना पहले ज़माने में तो हम लोग जो है यहाँ पर चांग घर होता था, पत्ता का बनाया होता था, तो वो जो है बहुत नीचे से जब आया तब से वो अपसेट हो गया कि आप लोग का मोरंग ऐसा क्यों बना दिया, पहले का ऐसा ट्रेडिशनल वे में होने से ठीक था। ओके, तो मैं उस समय भी मैंने सर को बता दिया था कि हम लोग जो है यहाँ पर सोते भी है और बहुत सारा रिचुअल होता है, तो जब चांग घर होता था हाँ अच्छा था रिचुअल के लिए, देखने के लिए तो अच्छा लगता था, लेकिन बहुत सारा चीज़ हम लोग को जब सोता था तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो जाता था और फेस्टिवल्स में ना बहुत प्रॉब्लम होता था। तो इसी वजह से हम लोग ये रिसेंटली क्या बहुत बड़ा एक हॉल बना दिया, तो आजकल तो हर चीज़ जब भी फेस्टिवल होता है तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, और स्पेशली जो आज रात को जो रिचुअल है उसमें बहुत मदद मिल जाता है कि हाँ वाल अच्छा है, आदमी आराम से सो सकते हैं, तो इसी कारण से घर भी कुछ इस तरह जो कि अभी अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ है, देखिए आप यहाँ पर एक वार क्या कहेंगे, एक वार जा रहे हैं, एक ड्राइंग आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये भी है हमारे ही यहाँ का जो यूथ बॉयस है, जो लखनऊ यूथ के बॉयस है, उन्होंने ये वॉल पेंटिंग किया है, और वो भी ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ तीन दिन में ये दो वॉल, इस तरफ एक है और इस तरफ एक है, वो दो वॉल पेंटिंग में 3 दिन में किया है। तो अगर आप लोग को भी कुछ ऐसा पेंटिंग कराना है तो आप लोग जो हमको कंटेक्ट कीजिए, मेरा यहाँ पर या कहीं पर भी मैसेज करके हम कर देगा, मतलब कंटेक्ट कर देगा यहाँ का जो हम लोग का बॉयस है, वो लोग को आप लोग कहीं भी बुला के कुछ भी पेंटिंग करा सकता है। तो ये हम लोग का मोरंग जो कि मैं ज़्यादातर व्लॉग्स में आप लोग को दिखाते रहता हूँ। तो अभी जो है हम लोग अंडा उठाने जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं अभी जो है 11 पार हो चुका है, फोकस कर दो ताकि ये लोग को ना लगे कि हम लोग झूठ बोल, तो अभी 11 पार हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहा है, और ये भाई लोग जो है थोड़ा देर बाद अलग कॉलोनी जाए क्योंकि वो बहुत दूर है, तो मैं उतना दूर नहीं जा सकता, तो मैं सामने में जो भी जिसका घर में मिलेगा वहां से ढूंढ के हम अभी अंडा को लेके आएंगे। तो अभी हम लोग जो सामने मेरा यहाँ पे जो सामने में मिलेगा वहां से हम उठाएंगे, और ये एक है कि जब हम लोग अंडा उठाने जाएंगे उस समय जो है हम लोग से कोई भी बस्ती वाला नहीं मिलना है, और ये भी है कि जब हम लोग जाता है तो अगर फैमिली वाला भी हम लोग का आते हुए सुनने से वो लोग कुछ भी नहीं बोल सकता है, वो लोग चुपचाप ही बैठेंगे और हम लोग वहाँ से अंडा लेके यहाँ पर आ जाएंगे, और अंडा को यहाँ पर रात भर रखा जाएगा, और यहाँ का जो भाई लोग है वो लोग रात भर उसको सिक्योरिटी का गार्ड करके बैठेंगे। तो चलिए अभी अंडा उठाने जाते हैं। तो अभी जो है हम लोग आसपास में आप लोग देख सकते हैं सब लोग सो गया है, तो अभी हम लोग आसपास में जिसका भी घर में मिलेंगे वहां से उठाएगा। देखो तो एक बार गया पहले बार पता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर तीन भाई हम लोग जा रहा है अभी अंडा उठाने के लिए, और वहां पर जो है अलग कॉलोनी जगह, तो वो लोग गाड़ी में जा रहा है, और ऐसा करके तीन चार पूरा बांटा गया हम लोग जो है। तो चलिए तो हम लोग अभी एक घर पहुंच गया है, अंडा को ऐसे हाँ अंडा को
जैसा शेप में मिला है, जैसा एंगल में मिला है, उसको ऐसे ही रखना है, नहीं हिलाना है, दूसरे एंगल में नहीं मोड़ना है। कुछ रीज़न ना बस इसका रीज़न है जैसे कि अंदर का योग जो ऐसे तीस रहने दो बोल के उसको अलग खराब नहीं होने। तो आप लोग ने सुना होगा ये जो है जैसा मिला ऐसे ही उठा के रखना है, क्योंकि अंदर में सुबह में जब हम लोग देखेंगे जब बुजुर्ग आके जब हम लोग अंडा को फोड़ेंगे तो उसमें जो उसका योक जो है अच्छा से मिलना है, और ताकि उसमें हम लोग पता करेंगे कि खेत कौन सा खेत ये साल हम लोग को करना है। तो भाई लोग अभी अलग कॉलोनी जा रहा है, क्योंकि हम लोग का गांव थोड़ा बड़ा ही है तो सब लोग अभी जा रहे निकल गया अलग अलग कॉलोनी में। अभी फिर एक अलग घर जा रहा है। तो अभी एक घर में हम लोग को जो है उसका माँ बेच चुका है, तो वहां से हम लोग अभी नहीं उठा सकता, वो यूजलेस हो जाएगा मतलब। तो अभी हम लोग जो है मोरंग वापस जा रहा है। तो अभी हम लोग एक दो घर ढूंढ रहे लेकिन दिखाई नहीं मिल रहा, शायद नहीं होता होगा अंडा दे के अभी। आप लोग कौन सा कॉलोनी जा रहे हैं? कौन सा कॉलोनी जा रहा है? राजा कॉलोनी। कहाँ कॉलोनी जाएगा? कौन सा कॉलोनी जाएगा? राजा कॉलोनी और स्कूल कॉलोनी। हमसा कॉलोनी जाएगा। हमसा तक नहीं जाना यार। मेरा भाग हो गया रे इसमें। आ जा भाई लोग, जैसे भी ढूंढ के लाने हैं, कम से कम 10 तो चाहिए रे हम लोग को, जैसे भी हो 10। हम ऐसे ही बोल रहे, कम से कम 15 तो चाहिए। तो अभी हम लोग जो है वापस आ गया मोरंग में, क्योंकि अंडा को यहाँ पर छोड़ना है आज रात भर। तो आज रात जो है अभी हम लोग तो यहाँ पर तीन अंडा लेके आए हैं, दो और पहले से एक था, मतलब पहले एक भाई लेने चला गया था और अभी जो है भाई लोग फिर अलग कॉलोनी चला गया है, और कम से कम आज रात यहाँ पर 10 या 15 अंडा लेके आना है। उसके बाद ही कल सुबह इसका जो हम लोग का जो बड़े बुजुर्ग है वो लोग आके हम लोग देखेंगे कि कौन सा खेत को ये बार करना है। और आज रात भर यहाँ पर जो भाई लोग हैं वो लोग यहाँ पर सोएंगे, आप देख सकते हैं सोने के लिए कुछ इस तरह बिछाया जाता है, तो यहाँ पर सो के रात भर बैठेंगे और मैं तो चला जाऊँगा सोने के लिए। तो और आज रात जो है यहाँ पर भाई लोग सोने के बाद सुबह में वो लोग जो है जो आसपास के पड़ोस के वहाँ से पट्टा तोड़ेंगे और जो लकड़ी होता है आग जलाने के लिए वो सबको सुबह कलेक्ट किया जाएगा। तो आज ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या करता है, मतलब कैसे करते हैं खेत को ढूंढने के लिए। तो गुड नाइट।
नेक्स्ट व्लॉग में देखिए, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को पता चले हम लोग खेती सिलेक्शन कैसा किया जाता है। और प्लीज आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा चैनल में, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलते ही रहता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हमसे हो पाएगा उतना एक प्रिजर्वेशन का एक डॉक्यूमेंटेशन आप कह सकते हैं, तो उसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो जो भी वीडियोस रहेगा वो एक डॉक्यूमेंटेशन रहेगा एक प्रिजर्वेशन का तौर पर। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल में नया है तो काइंडली थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं बहुत थक गया क्योंकि दिन को भी हम अलग जगह चला गया तो बहुत नींद लग रहा है, तो मैं अभी सोने चला और अभी 12 बजने वाला है। चला